गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से छोले बना करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि हमारे छोले कितने परफेक्ट और कितने टेस्टी तैयार हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं छोले। आइए, छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये छोले लिए हैं और छोलों को हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। 2 से 3 बार इसे अच्छे से धोने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए हम भिगा करके अलग से रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि हमारे छोले फूल चुके हैं। देखिए, छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर हम पानी और छोले दोनों ही चीजों को डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और 8 से 10 सीटी लगवाएंगे। छोले की ग्रेवी के लिए सबसे पहले हमने ये सरसों का तेल लिया है, कुछ खड़े मसाले हैं, इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और 6-7 लौंग, ये 2 चम्मच सूखा धनिया है साबुत, 1.5-2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 तेज पत्ते, 4-5 टमाटर है जो मैंने रफली चॉप किए हैं, 4 प्याज रफली चॉप की है, 8 से 10 लहसुन है और 2 हरी मिर्च जो मैंने रफली चॉप की है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने रफली चॉप किया था। एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें हम जरूरत के हिसाब से सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेज पत्ते डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे, दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए डाल देंगे, जीरा, लौंग और काली मिर्च तीनों ही चीजों को इसमें डाल देंगे और बड़ी इलायची को भी थोड़ा सा हाथ से तोड़ते हुए छिलके और बीज को अलग करते हुए तड़के के अंदर डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए लाइट गोल्डन करेंगे। ये सारा ही हमारा खड़ा मसाला है और इससे हमारे छोले में और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारा सारा ही खड़ा मसाला लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और लहसुन भी डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए थोड़ा सा लाइट गोल्डन करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे सारे ही खड़े मसाले और लहसुन अदरक अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इस स्टेज पे इसमें प्याज डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्याज को भी हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि काली मिर्च और लौंग बहुत से लोग सब्जी में पसंद नहीं करते हैं, तो आप उस टाइम पर इसी तरह से लौंग और काली मिर्च को तड़के के अंदर पका लीजिए और बाद में इसे पीस लीजिएगा। देखिए, बातों ही बातों में हमारी प्याज भी लाइट गोल्डन हो चुकी है और इस स्टेज पे हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अभी इसमें नमक और हल्दी डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि मैंने छोलों को उबालते टाइम भी नमक डाला है और बाद में मैं जब तड़का लगाऊंगी उस टाइम पे भी मैं इसमें नमक डालूंगी, तो नमक और हल्दी मैं उसी टाइम डालूंगी, इसलिए मैंने अभी स्किप किया है। कुछ देर ढक कर के पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। देखिए, यहाँ पर हम टमाटर और प्याज को अच्छे से चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारे टमाटर और प्याज दोनों ही चीजें अच्छे से पक चुकी है और टमाटर भी अच्छे से हमारा गल चुका है। हम चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को अच्छे से चेक कर रहे हैं। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सभी चीजों का ठंडा होने का वेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी सभी चीजें अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इन्हें एक मिक्सी जार में डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसी फ्राई पैन में डाल करके
और सभी चीजों को इसमें से अच्छे से छुड़ाते हुए मिक्सी जार में डाल लेंगे और थोड़ा सा दरदरा दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए छोले के तड़के के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है। ये है हमारा पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया है। ये हमारे छोले हैं, हमने उबाल के रखे हुए हैं। ये तेल जरूरत के हिसाब से लेंगे। कुछ धनिया की पत्तियां हैं जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। दो तेज पत्ते, 4 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा जिसे हम शाही जीरा भी बोल देते हैं, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच सफेद नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से कम चाट मसाला और 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला और चाट मसाला ये दोनों ही होममेड है और इन दोनों की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो चलिए बनाते हैं छोले। देखिए सबसे पहले हमने एक बड़े बर्तन को गैस पे रख दिया है। बर्तन में तेल डालेंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से डालिएगा। बर्तन में आपको इतना तेल डालना है कि आपका जो पेस्ट है तड़का वो अच्छे से तैयार हो जाए। जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर आपको ये तड़का तैयार करना है। जीरा हमारा लाइट गोल्डन होने लगा है। अब हम इस स्टेज पे अपना जो हमने टमाटर प्याज का पेस्ट तैयार किया है उसे डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। देर के लिए ढक करके पकाएंगे। आइए चेक करते हैं तड़के को। तो आप देख सकते हो कि हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है जैसा हमें चाहिए है। अब हम इसमें छोले और पानी दोनों ही चीजों को डाल देंगे। तड़के में साबुत लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। सभी चीजों को चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और आप नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। देखिए मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी और डाल करके सारे ही पेस्ट को कुकर में दोबारा से डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने थोड़ा काला नमक डाल दिया है, 1/2 छोटी चम्मच, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप छोले में तरी अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो, आपको जैसे भी छोले पसंद हो। तो देखिए अब हम कुछ देर के लिए छोलों को ढक करके पकाएंगे। आइए चेक करते हैं छोलों को। तो देखिए हमारे छोले बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारे छोले कितने अच्छे से पक रहे हैं। चम्मच से हिलाते हुए हम दोबारा से चेक करेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। ये बिल्कुल होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और कुछ धनिया की पत्तियां भी। दोनों ही चीजों को हमने छोले में डाल दिया है और छोलों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए छोलों को दोबारा से ढक करके पकाएंगे, जिससे कि हमारा गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो भी छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमारे छोले बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं और अब हम मिलते हैं सर्व करने के बाद। देखिए यहाँ पर हमारे छोले मैंने चावलों के साथ सर्व करे हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती से दोनों ही चीजों की गार्निशिंग की है। तो आप देख सकते हो कि हमारे छोले कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और एक एक दाना अच्छे से खिल के आया है। मैं आपको एक चम्मच में लेकर के दिखा रही हूँ कि हमारे छोले कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और देखने में जितने लाजवाब है खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स
आपने देखा कि हमारे छोले बनकर के तैयार हैं और कितने ये परफेक्ट तैयार हुए हैं, आप देख सकते हो। देखने में जितने यम्मी दिख रहे हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। और आप इसे रोटी, नान, परांठा, पूरी या फिर किसी और चीज के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये सभी चीजों के साथ काफी टेस्टी लगते हैं। और अगर आप चाहो तो इसे किसी चाट में भी यूज कर सकते हो। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके छोले कैसे बने। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm gonna be a